Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. हाय दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme U1 स्मार्टफोन का OTG टेस्ट, यानी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Realme U1 स्मार्टफोन में OTG काम करता है कि नहीं, यानी OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम करते हैं OTG टेस्ट इस स्मार्टफोन का और देखते हैं कि ये OTG को सपोर्ट कर लेता है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास है एक OTG Pendrive, इसे मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे एक फ्लैप हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अभी मैं इसे कर लेता हूँ कनेक्ट। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया, मेरे को कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं मिला, यानी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिला। तो थोड़ी सी वियर्ड बात है, पर मुझे पता है कि क्यों नहीं मिला। हमें जाना है सेटिंग्स में जाकर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में जाकर आपको OTG कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, OTG कनेक्शन इसने डिटेक्ट कर लिया कि OTG Pendrive लग चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTG 29.7 MB अवेलेबल बता रहा है। तो ये फ़ोन OTG सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छी बात है कि ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में OTG सपोर्ट करता है। और आपको ना ये हर बार करना पड़ता है, हर बार जब भी आप पेनड्राइव डालते हो, आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, यानी सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद जाओ एडिशनल सेटिंग्स में और OTG कनेक्शन ऑन करना है। ये आपको हर बार करना पड़ेगा, तभी ये ऑन होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कि ये फ़ोन में OTG सपोर्ट करता है और आप खुश हुए होंगे कि आपके U1 में OTG सपोर्ट करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें बिना कहीं मत जाना, वीडियो को लाइक कर दो। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।